माय न्यू वीडियो, इट्स माय अभिषेक। आप देख रहे थे पीवीआर ब्लॉग। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल को तो देख लिया होगा, हम जा रहे हैं नागपुर। और एक बुरी न्यूज़ ये है कि हमारा प्लान था कि हम जनरल में जाएं। तो जनरल में जैसे आपने वीडियो देख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा गर्दी थी, तो इसलिए हमने ना कैंसिल कर दिया वहाँ पे जाने का। तो अब हमारा ये प्लान है कि हम स्लीपर में चढ़ेंगे। हालांकि मेरी दो टिकट कंफर्म है, दो टिकट नहीं है। और ये लगभग 12 से 14 घंटे का सफ़र होगा। कल रात को हम 9:30 बजे लगभग कल सुबह 9:30 बजे हम पहुँच जाएंगे। और अभी मैं फ़िलहाल हूँ सारा घाट, तो यहाँ से ही वीडियो स्टार्ट किया क्योंकि मैं काफ़ी लेट था, तो मुझे रिकॉर्ड करने के लिए भी टाइम नहीं मिला। तो होप कि जर्नी अच्छी होगी। और आपने वीडियो अगर देखना शुरू कर दिया है तो पूरा एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और अभी देखते हैं कि हम और किस तरीके से एंटरटेन करें आपको। वीडियोज़ बैक टू बैक आएंगी, क्योंकि मेरी एक सीरीज़ है नागपुर सीरीज़ उछलने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इन 3, 2, 1। तो ट्रेन 2 मिनट लगभग लेट है और हम अपने शेड्यूल स्टॉप से निकल चुके हैं। हाँ भाई, कैसे हो? विदाउट टिकट जाने का मज़ा ही अलग है। अभी तक पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। अभी ऊपर वाले पे छोड़ दिए, इंशाल्लाह देखते हैं। हमारा फर्स्ट टाइम है जो नागपुर से निकल ले। ओ, ये रहा डिपार्चर, अभी जस्ट निकल रहे हम। सफर की दुआ पड़ा, सफर की दुआ पड़ गया तुम्हारे से मिलकर। देर पहले हम जस्ट निकले हैं तिलक नगर से। तो अभी ट्रेन के कुछ शेड्यूल हमारे को पता ही नहीं है कि क्या है, कहाँ से जाने वाली है। तो मैं एक बार पूरा डिटेल चेक करके आपको इन्फॉर्म करूँगा। और अभी फ़िलहाल मैं विद्या स्टेशन से पास हो रहा हूँ। ऑफिस की बहुत याद है, थोड़े दिन तो जरा ऑफिस से फ्री रहे। चलिए पहले मैं कुछ डिटेल जानकारी ले लूँ, फिर आपसे शेयर करूँगा। और आपके लिए बता दूँ कि मेरी टिकट कन्फर्म नहीं है, सिर्फ एक टिकट है, उसमें हम 4 लोग हैं। और पहले तो जनरल कोच में जाने का प्लान था, बट ड्यू टू सम रीज़न वी कांट। और अभी तो फिलहाल हम हैं स्लीपर में। होप कि अच्छे से चले जाए, तो देखते हैं। अभी तक का खाने वाने का भी इंतज़ाम है, बाबा भाई हमारे लाए खाना, तो देखते। हालांकि मैं थोड़ा काला दिख रहा हूँ। तो चलिए फटाफट, अभी जैसे कुछ आता है दिखाने के लिए मैं दिखाता हूँ। और डायमंड क्रॉसिंग भी दिखाना है आपको, तो वो भी ज़रूर दिखाऊँ। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पूछे कल्याण जंक्शन, ये फर्स्ट स्टॉप है। तो ज़्यादा गर्दी ना हो, अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत गर्दी हो गई है। बड़ा हम चाहते हैं ट्रेन जल्दी जल्दी छूट जाए। और फिर तो फिर हम कहाँ पे रखें, देख ले कहीं झगड़ा हो तो फिर है ना। एक ले है हम यहाँ से और जस्ट निकले हुए हैं। अभी बज रहे रात के 9:34, तो हम जस्ट निकले हैं। और अब कुछ ऐसा कोच की कंडीशन है, भर चुके हैं। और अभी डाला भी लाइट का थोड़ा कम है, तो होप तो कि ज़्यादा गर्दी ना हो। अभी तो हम सीट पर हैं फिलहाल, जब तक है तब तक है, जब चले जाएंगे तो चले जाएंगे। और क्या कुछ ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप है भुसावल जंक्शन, तो डायरेक्ट अभी भुसावल से पहले कहीं रुकता है। तो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुँचे कसारा स्टेशन। हालांकि यहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों रुका है, ड्यू टू सम इलेक्ट्रिकल इशू। यहाँ पे थे घाट चालू होने वाला घाट सेक्शन, तो इसी वजह से लगा है। और ट्रेन भाई खचाखच भर चुकी है एकदम। और देखते हैं कि अच्छा मौसम जाए, और मस्त बारिश भी हो रही है, तो बी टी सी आएगी तो फिर एक बार टिकट विकेट बना लेंगे। चांद की टिकट नहीं है और मोहम्मद की नहीं है, तो देखते हैं। और अभी घाट सेक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, कुछ दिखता है बाहर तक। तो चलिए अभी एक बार ट्रेन में जाते हैं, फिर आपको बताते हैं। जस्ट अभी भी मेरी आँख खुली है, बज रहे सुबह के 6:30। और मुझे मालूम था कि हम नागपुर वगैरह नियरेस्ट है, अगले नेक्स्ट 2 घंटे में नागपुर पहुँचने वाले हैं। मेरी मिडल बढ़ती है, फ्रेश होता हूँ, मिलता हूँ। मैं पोला जंक्शन रावल जंक्शन क्रॉस कर गया हूँ, अभी बडनारे जंक्शन दिखाते हैं वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह। सुबह के 6:30 हम जस्ट पहुँच चुके हैं बडनेरा जंक्शन। एग्जैक्ट टाइम पे हम पहुँचे हैं, ये कोई स्टॉप है बडनेरा। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं उतर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सीटी बज गई है, अब शायद ट्रेन छूट जाए। देखिए ऑलमोस्ट बहुत सारे पैसेंजर्स यहाँ पे डिपोर्ट हुए हैं, इसके बाद डायरेक्ट नागपुर जंक्शन आएगा।
तीन मिनट के स्टॉप के बाद जस्ट हम निकल चुके हैं बंडेरा जंक्शन से, होगा नागपुर जंक्शन। और अभी फटाफट फ्रेश होते हैं, फिर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। आपकी नींद गिरी थी जो ये कभी ऐसा स्लीपर में ट्रैवल नहीं किए, पहली बार किए थे भाई। नींद गिरी थी क्या? ठीक है, गिरी है, ठीक है। अब सर आपकी खोल नहीं सकते क्योंकि गुटखा खाया हुआ है। तो चलिए एक ही बार ज़रा फ्रेश वगैरह होते हैं। और ये अभी पहला ही स्टॉप था, हालांकि इतना कुछ दिखाई नहीं पाया क्योंकि नींद में ही रात चली थी। तो अभी भाई भी आ रहे हैं, फटाफट ज़रा ब्रश वगैरह करके ब्रेकफास्ट मंगाते हैं फिर आपको। सुबह का ब्रेकफास्ट तो जस्ट हमने अभी ब्रेकफास्ट लिया है, इसमें ब्रेड है और दो कटलेट है। तो चलिए खा के ज़रा टेस्ट करके बताते हैं। मोहम्मद भाई तुम भी यही लिए? हम दोनों ने वही लिया। तो अभी इंडियन रेलवे से क्या ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये ब्रेड कटलेट है कुछ और ब्रेड है। चलो खा के टेस्ट करके बताता हूँ। जस्ट हमने अभी ब्रेकफास्ट किया, रात का ब्रेकफास्ट एक्सपेक्टेड नहीं था कि अच्छा होगा, ब्रेड बाकी रहेगी बात कॉफ़ी। तो अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर में हम लोग पहुँच जाएंगे नागपुर जंक्शन। टिकट भी आए थे, टीसी भी आए थे, टिकट वगैरह दिखा दिए। अभी जैसे अभी मॉर्निंग की हो गई है, फिर आज बहुत ज़्यादा आँख में नींद है, इतनी नींद एकदम कम्प्लीट हो गई है, बाद में बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे। पापा एक वीडियो बना, अच्छा करा चौंतीस किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं नागपुर। और यहाँ तो ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ ताजबाग में। तो इसका व्लॉग मैं हुआ दूसरे वीडियो से स्टार्ट करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। और अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसके बाद, जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी मैं डायरेक्ट ताजबाग की चालू करूँगा। होप सबको ट्रिप लाइक ट्रेन जर्नी अच्छी लगी होगी। मोहम्मद भाई आपको बाबा चाय पीने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक लाइक सब्सक्राइब करके रहिए। तो चलिए।